अगर है हिम्मत तो कागज पटक कर दिखाए, होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जेल से बाहर आने के बाद और चंपई सोरेन के बहुमत हासिल करने के बाद विधानसभा में भाषण देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी और सुधीर चौधरी को निशाने पर लिया। इतनी घृणा, इतना सुधीर चौधरी पर कटाक्ष करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी का पाला हुआ तंत्र चाहता है कि आदिवासी हमेशा जंगल में रहें और अच्छी जिंदगी जीना उनका अधिकार नहीं है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हें के पाले हुए तंत्र, ये कहते शर्माते नहीं, ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जंगल से बाहर आकर उनके बराबर में बैठने लगे तो इन्हें लगता है कि उनके कपड़े मैले हो गए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बैठ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते, ये हमें अछूत दिखते हैं। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो कागज सार्वजनिक करके दिखा दें जिससे साबित हो जाए कि जिस जमीन के घोटाले का आरोप मुझ पर लगा है और मुझे जेल भेजा गया वो वाकई मेरी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जहाँ करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का अवकाश इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किसी अरेस्ट किया गया अध्यक्ष मोदी, 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरे साथ इतनी नाइंसाफी होने के बावजूद मैं आंसुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वक्त के लिए बचा कर रखूंगा। जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊ, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी का के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। आप हेमंत सोरेन के बीजेपी और मीडिया को ऐसे जवाब पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।